बताओ फिर क्या चाहते हैं। बस सर ज्ञापन ही सौंपना था और फिर अभी बात हुई आपसे तो उन्होंने कहा कि पहले चौकी में जो थाना प्रशासनिक आवेदन दे रहे सूचना के तौर पर हम लोग ज्ञापन सौंपना चाहते थे, बस वही बना रहा था तक कि आप आ गए। बना लिए नहीं बना वो तो बना ही रहते सर, अभी ये तो आपके लिए बना दिए थे यहाँ पर से न्यायालय को देने के लिए। वो सर चौकी प्रभारी का था और उसके बाद उन्होंने कहा कि बोले सीधे आप भटका जाए तो अब उसी में सबको ऐसा करना पड़ा। रावण देन नहीं होना चाह रहे? जी जी बिल्कुल सर। सर वो अपमानजनक भी तो है अगर देखा जाए तो, जैसे अगर देखें अपन लोग तो कुरीतियों का अपन लोग मतलब मिटाते भी हैं ठीक है, मगर ये कोई इतना जरूर नहीं, जलाता तो वो इंसान है जो उसका बेटा हो। अगर अपन लोग अगर अभी देखते हैं कि जैसे पिताजी की मृत्यु अगर हो जाती है तो उसको बेटा ही जलाता है, पर यहाँ तो सारे लोग जलाते तो कोई सब लोग उसकी औलाद थोड़ी। दूसरा अपमानजनक इसलिए है सर क्योंकि आदिवासियों का अगर देखा जाए अपन लोग तो वो जैसे गोंडवाना राज्य के कोई महाराजा रहा कर रहे हैं, मतलब कर रहे थे, वो राजा हैं वो ठीक है, मगर अभी तक तो कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं, फिर भी देखा से कि आडंबर को लेकर के और बस जलाया जा रहा जलाया जा रहा। तो ये क्या है आदिवासियों को एक हानि, मतलब जो मानसिक हानि या फिर जो अपमानजनक जो प्रतिक्रिया है तो उसको लेकर के। कैसे अपमानजनक? जैसे मतलब जैसे कि हाँ प्रकृति पूजक तो थे बराबर सर, आप इस बात को मानते होंगे आप, है ना जी। और मेरे को जानना है, मैं कह रहा हूँ जनरली सर क्योंकि हम लोग बचपन में चलो रावण दहन करते थे, हम तो ये सोचते चलो अच्छाई पे बुराई की जीत को लेकर ये है, ये चीज मानते थे अपन। हाँ 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 किसानों के राजा महिषासुर की भी छवि खराब करने के आशा से कुछ इसका तो सर आ रहा, अगर आप थोड़ा सा इतिहास में कर जाएंगे तो भयंकर का बहुत वो है वो। हाँ बराबर मानते हैं सर, आप ज्यादा अगर है तो पूरे इंडिया में अगर देखें अपन लोग जैसे छत्तीसगढ़ आप चले जाएं, झारखंड आप चले जाएं, वहाँ तो पूजा की जाती है, लेकिन आप कर्नाटक श्रीलंका में पूजा की जाती है, कर्नाटक ले लें साउथ वाले कुछ कंट्रीज में। हाँ हाँ राज्यों में अभी तो ज्ञापन सौंपा भी गया है ना राष्ट्रपति महोदय को, राज्यपाल महोदय को। निर्देश जारी तो कलेक्टर महोदय करेंगे, है ना? जी जी बिल्कुल, मैं ये काम यहाँ पे मैं आपकी जो भी सूचना है हाँ, हाँ। मैं ऊपर तक पहुँचाता हूँ ठीक है, एसडीएम महोदय को आज ही भेज देता हूँ, आप लोग ऐसा ऐसा जानते हैं मतलब कुल मिला के आपका सार ये पंक्तियाँ हैं जी कि आता है महोदय जी से निवेदन है कि आदिवासियों की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे कृत्य को रोकने की दिशा में सर्वसाधारण हेतु उचित निर्देश जारी कर जनहित में सहयोग प्रदान करें ठीक है, ये आशय का मैं प्रतिवेदन करता हूँ, है ना जी सर। कुछ नया गाइडलाइन इस प्रकार से कुछ आई है चाह रहे हैं? हाँ सर, हम ये कह रहे हैं कि जो कुरीतियां चल रही है तो ये रुक जाए सर तो ज्यादा बेहतर है ठीक। और हम तो ये कहते हैं साला तो जलाए तो उन लोगों को जाए जो दिनमान और अभी जिंदा राक्षस लोग हैं, जो कभी कभी पीड़ितों को पीड़ित करते हैं, रेप करते हैं, उनका कुछ होता नहीं, जैसे मनीषा कांड बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे कांड ये जिंदा राक्षस है, इनको चलाया जाए तो ज्यादा बेहतर। वो इंसान तो ऐसा भी सर आप भी जानते हैं 6 महीने एक महिले को रखा उसने, तब तक नहीं करा है उसने तो इस राज्य में अगर देखा जाए तो अभी कोई सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े और रातों रात कांड हो जा रहे हैं, उसमें कोई पहल नहीं हो पा रही है। मैं रखता हूँ ऊपर तक रखता। जी जी बिल्कुल सर, यही करते हैं कि ये कार्रवाई थोड़ा सा ऊपर तक पहुंचे ज्यादा बेहतर। मेरी तरफ से बिल्कुल, मैं अपने एसडीएम सर को आज ही जी मैसेज भेज देता हूँ। जी सर, रिसिप्ट दीजिए, मैं दे डबल है सर उसमें एक नहीं एक प्रति और है। अरे अरे आपने रखी है एक प्रति आपने रखी है पेन दे दीजिए। ठीक है रिसिप्ट ले लो, है ना जी सर, बिल्कुल धन्यवाद सर।